बीजेपी कहती है कि जहां हम जीतते हैं वो लोग ईवीएम पे सवाल खड़ा करता है, जहां वो लोग जीतते हैं चाहे उत्तर प्रदेश दिल्ली की आप बात करें बिहार की बात करें, बीजेपी ने ना पूरी गेम सेट करके रखी है। उनको पता है कितना कितना कहां कहां जीत के ये भी नैरेटिव फेल कर देना कि ईवीएम नहीं है, और थोड़ा थोड़ा करके ये दिखा देना है कि इतने में हमारी सरकार तो बोल रहा है चुनाव आयोग झूठा है। और इसी तरीके से क्योंकि जब प्राचा जी चुनाव लड़े थे तो उनके पास ऐसे तथ्य हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं पूरी 100% सुरक्षित ईवीएम है। ऐसे फ्लॉज हमने देखे थे कि ईवीएम किस तरीके से हाथ के अंदर ऐसे दबा के बंदा ला रहा है, ईवीएम ऑलरेडी खुली पड़ी है, वहाँ पर कोई टेकर करने के लिए नहीं है, स्ट्रांग रूम में कोई ताला नहीं है, हमारे पास सारी वीडियो देश के अंदर। इस प्रकार से हाल के दिनों में कुछ घटनाएं देखने को मिली है, छिटपुट घटनाएं बड़ी घटनाएं थी, उसे लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अपनी बातें रखी। उनका कहना था कि जैसे चुनाव नज़दीक आता है तो इस तरह की प्रायोजित घटना को अंजाम दिया जाता है विशेष पार्टी के द्वारा, क्या इस पर आप सहमति? जब बैलेट की बात थी, उस दौड़ की बात थी उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर, वहाँ के जो लीडर थे जिनका बाहुबली कहा जाता था कि वहाँ के बाहुबली लीडर हैं, उन पर आरोप लगता कि बूथ कैप्चरिंग का, उस वक्त भी कहने के जो बैलेट पेपर से भरा हुआ जो बॉक्स था उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती थी, आरोप लगता रहता था। तो क्या लगता है कि अगर ईवीएम ख़त्म कर देंगे और वो प्रथा लाएंगे दोबारा से तो उसमें धांधली नहीं होगी? आप देख रहे हैं वीआर न्यूज, एक नज़र सच्चाई की ओर। नमस्कार, सलाम, मैं हूँ इमरान और आप देख रहे हैं वीआर न्यूज। अभी मेरे साथ बीएसपी लीडर साथ ही सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर रितु सिंह जी हैं। अभी जंतर मंतर पे ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही थी। इनसे दो चार सवाल करते हैं, जो वर्तमान समय में देश के जो हालात है वो बर्निंग मुद्दे हैं, उस पर हम दो चार सवाल करते हैं। सबसे पहले आज की जो मोटो थी आपकी, जरा उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, मोटो यही था, हमारे हकों की जिस तरीके से ठगी हो रही है, हमारे हक जिस तरीके से लूटे जा रहे हैं, सरकार बेईमानी करके जो बार बार रिपीट हुई जा रही है, जहाँ पे आपका कोई जनाधार नहीं, जहाँ पे आप जीत नहीं सकते, जहाँ के किसानों के साथ आपने इतनी प्रताड़ना करी, जहाँ के जाटों को आपने उनका आरक्षण छीन के उनका सब कुछ खत्म कर दिया, वहाँ पे आप सरकार बना गए। हर बार इस तरीके की चीज़ हो रही है और विपक्ष रेपिटेटिवली फेल होता जा रहा है और वो अपना रोल ही नहीं समझ रहा, तो हम जैसे लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा। और हमें मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो कोई संगठन नहीं, वो एक मुहिम है कि हमें संविधान को बचाना है, इसलिए हम सड़क पर निकलेंगे। ईवीएम को हटाना है अगर हम अपनी सरकार बनानी, वो ईवीएम ही है जिसकी वजह से हम बेरोजगार हैं, ईवीएम ही एक जड़ है जिसकी वजह से हमें कोई रोजगार नहीं मिल रहा, हमारे युवाओं को भड़काया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, धार्मिक दंगों में फंसाया जा रहा है, क्योंकि सरकार उनकी है गलत लोगों। इसलिए अगर हमें परिवर्तन चाहिए तो ईवीएम को हटाना, पेपर बैलेट क्यों लगता है करवाना? अरे क्यों लगता है, दुनिया को लगता है यार, हर जगह पे बात कर रही है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, चूंकि आप जानकार हैं ही, सब कुछ आपको पता ही है। जब बैलेट की बात थी, उस दौड़ की बात थी उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर, वहाँ के जो लीडर थे जिनका बाहुबली कहा जाता था कि वहाँ के बाहुबली लीडर हैं, उन पर आरोप लगता कि बूथ कैप्चरिंग का, उस वक्त भी कहने के जो बैलेट पेपर से भरा हुआ जो बॉक्स था उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती थी, आरोप लगता रहता था। तो क्या लगता है कि अगर ईवीएम ख़त्म कर देंगे और वो प्रथा लाएंगे दोबारा से तो उसमें धांधली नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। अब पहले का सिस्टम आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये हुआ है, बूथ कैप्चरिंग हुई है, होता आज भी होता है बूथ कैप्चरिंग, लेकिन तब के दौर में और अब जितनी प्रताड़ना हुई है ना, बहुत मेजर डिफरेंस, अब फ़र्क बहुत मेजर है। और अगर हम लोग अगर आज ये सोच लें कि यार नहीं तो ईवीएम से, वो तो पूरा सेंट्रलाइज हैकिंग है ना, वो तो एक आधा बूथ कैप्चर हो गया, ये अब तो पूरा सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है ना कि मेरी ही सरकार यहाँ बनेगी। अगले उत्तर प्रदेश में चुनाव अगर हम ईवीएम के खिलाफ बोलने लड़े नहीं, तो वो फिर आके ऐसे बेईमानी से सरकार बना लेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम बैठे बैठे देखते रहेंगे ऐसे ही, फिर जहाँ पर उनका जनाधार नहीं, लोग नहीं, वहाँ वो फिर सरकार बना लेंगे। हमें लड़ना पड़ेगा भाई इसके लिए, हम बूथ कैप्चरिंग भी नहीं होने देंगे, हम ईवीएम से भी नहीं होने देंगे, हम पेपर बैलेट से पर्चे गिनेंगे, वोटर वेरीफाइड तरीके से वीवीपैट के तरीके से हमें पर्चे मिलेंगे, हमें पता होगा हमारा वोट किसको दिया, वोट काउंट होगा हमारे पास, हम गिन सकते हैं, हम देख सकते हैं। मैं तो ये बेईमानी नहीं होने दूंगी। चुनाव आयोग तो कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है जहां पर वो हारते हैं। चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है, चुनाव आयोग झूठा है। और इसी तरीके से क्योंकि जब प्राचा जी चुनाव लड़े थे तो उनके पास ऐसे तथ्य हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं पूरी 100% सुरक्षित ईवीएम है। ऐसे फ्लॉज हमने देखे थे कि ईवीएम किस तरीके से हाथ के अंदर ऐसे दबा के बंदा ला रहा है, ईवीएम ऑलरेडी खुली पड़ी है, वहां पर कोई टेकर करने के लिए नहीं है, स्ट्रॉन्ग रूम में कोई ताला नहीं है, हमारे पास सारी वीडियोज है। सो इट्स का कंप्लीट लाइ जो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आई थिंक इज अ स्पॉन्सर्ड पर्सन ऑफ भारतीय जनता पार्टी जो वहां बिठाए गए हैं सर झूठ बोलने के लिए। है कि अगर सेम टाइम में दो राज्यों में चुनाव होता है, तो मान इस बार की अब एग्जांपल ले लीजिए जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, एक तरफ जीतती है भी दूसरी तरफ हारती है, तो
बीजेपी कहती है कि जहां हम जीतते हैं वो लोग ईवीएम पे सवाल खड़ा करता है, जहां वो लोग जीतते हैं चाहे उत्तर प्रदेश दिल्ली की आप बात करें बिहार की बात करें, बीजेपी ने ना पूरी गेम सेट करके रखी है। उनको पता है कितना कितना कहां कहां जीत के ये भी नैरेटिव फेल कर देना कि ईवीएम नहीं है, और थोड़ा थोड़ा करके ये दिखा देना है कि इतने में हमारी सरकार तो बन गई ना, उनको सरकार बनाने से मतलब है कैसे भी। और रही बात उनकी सरकार बनना हमारी सरकार बनना, मैं तो ये कहती हूँ कि जो इंसान विपक्ष के भी जीत रहे हैं ना उनका भी सबसे पहला रोल यही होना चाहिए कि ईवीएम को ख़त्म करो, क्योंकि सेंटर में तो बीजेपी आके बैठेगी ना दोबारा, चाहे तुम थोड़ा बहुत जीत जाओगे। जो भी नेता जो भी ऑपोजिशन जीत रहा है यार क्या दिक्कत है, लड़ो ना कि भैया इस देश के थोड़ा आगे करो, इस देश के अंदर ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, खत्म बात, इस देश के अंदर पेपर बैलेट से चुनाव होगा। हर ऑपोजिशन का ये फ्री वो होना चाहिए। प्राचार्य ने कहा था कि अगर मैं जीत भी जाऊँगा मैं सबसे पहले रिज़ाइन करूँगा कि मेरा चुनाव वापस और ईवीएम से हो, पेपर बैलेट से, ईवीएम से ना हो। तो ये हमारा मुद्दा होना चाहिए, भैया जनता नहीं सेटिस्फाइड है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि चुनाव फेयर हो रहे हैं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि चुनाव जो है ईवीएम मशीन से मेरा वोट कहाँ जा रहा है, मुझे जानने का अधिकार है, तो इसलिए पेपर बैलेट से चुनाव हो। नीतू जी, हर मुद्दे पर आप अपनी बेबाकी से बातें रखते हैं। हाल ही के दिनों में जो कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया है कि अगर मुसलमान कि मस्जिदों में कोई जा करके, बहुत गलत फैसला है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो गलत बात है ना। अगर आपके पास रिलीजियस फ्रीडम है, आपका अपना घर है, आप बैठें वहाँ पे अल्लाह को याद करें, वाहेगुरु को याद करें, भगवान को, राम को याद करें या भगवान कृष्ण को याद करें, आपका फ्रीडम है ना, संविधान ने दिया। लेकिन आप किसी की प्राइवेसी में किसी के धार्मिक स्थल पर जाके अपना एजेंडा सेट करने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए अगर इस तरीके का काम करते हैं, इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। कोर्ट भी कहने के किसी पार्टी विशेष के इन्फ्लुएंस में आ चुका है, सब कुछ पूरा 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 कोर्ट तो जुडिशियल सिस्टम है ही पूरा कब्जाया डराया हुआ सरकार का, डरा के रखते हैं। और इसलिए मैं तो कोर्ट जुडिशरी से भी अपील करूंगी कि डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप में से एक आधा जज भी सड़क पे निकलता है कि हम पे दबाव है, पूरी जनता आपको सपोर्ट करेगी, पूरी जनता आपके साथ खड़ी मिलेगी। मेरा इस तरह सवाल रहेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार से हाल के दिनों में कुछ घटनाएं देखने को मिली है, छिटपुट घटनाएं, बड़ी घटनाएं थी, उससे लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अपनी बातें रखी। उनका कहना था कि जैसे चुनाव नज़दीक आता है तो इस तरह की प्रायोजित घटना को अंजाम दिया जाता है विशेष पार्टी के द्वारा, क्या इस पर आप सहमति बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ऐसे पार्टी इस तरीके के दंगे करवाती है जानबूझ के, स्टेट स्पॉन्सर्ड हेट क्राइम्स, रिलीजियस अराजकताएं इस तरीके से करवाती है ताकि हिंदू मुस्लिम किया जाए और इस चीज़ पे वोट लिया जाए। क्योंकि पार्टी के पास एक ही एजेंडा है, या तो मीडिया में पाकिस्तान पाकिस्तान चलाना, या तो हिंदू मुस्लिम पे चलाना और ये दिखाना कि हम बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, और इस तरीके की अराजकता फैला के वोट लेना और लोगों को दिखाना कि देखो हिंदू खतरे में है और इसलिए सारे हिंदू एक मिलके बीजेपी को वोट करो, दिस इज़ देयर एजेंडा। और वो इसमें सक्सेसफुल होती है क्योंकि पता है कि 20-25% वोट ऐसे ले लेंगे डरा के, 20-25% वोट खरीद के ले लेंगे, बाकी ईवीएम है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने देखा मेरे साथ रितु जी थी, उन्होंने बात रखी, बाकी से लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुँच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब खैर।